फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ फ्रेंड पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूँ और उपस्थित हूँ अटेली विधानसभा क्षेत्र के गांव गणियार के अंदर। यहां पर अभी एक चुनावी जनसभा हुई है और चुनावी जनसभा जो हुई है वो है अतरलाल जी की और BSP इनेलो के जो प्रत्याशी हैं वो हमारे साथ आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे। थोड़ा पीछे हो जाते हैं अपन, आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे कि हमारे साथ अतरलाल जी बन चुके हैं। बाकी यहाँ पर चुनावी जनसभा जो है वो ख़त्म हो चुके हैं, कुछ अन्य साथी भी हैं, इनसे भी करेंगे बातचीत। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ फ्रेंड पर। अतरलाल जी स्वागत आपका इंडिया न्यूज़ फ्रेंड पर। बहुत धन्यवाद करता हूँ सर आपका। आप यहाँ आए मान सम्मान वहाँ माड़ा पगड़ी पहनाकर क्या कहेंगे गाँव गणियार के लोगों? सर गणियार के लोगों ने और हमारे वोटर और सपोर्टर्स ने जो मान सम्मान दिया और जो आस्था और जो हाथ खड़े करके जन समर्थन का ऐलान किया, मैं बहुत खुश हूँ और उनका बार बार धन्यवाद करता हूँ। और इन्होंने कहा है कि बाबूजी आपका एक तरफा वोट देंगे और आपको जिताएंगे। अभी एक नारा सा चल रहा है कि दूसरे जो पार्टियां हैं या फिर कोई भी साथी हैं वो सभी अन्य आप कह सकते हैं क्षेत्र से हैं, स्थानीय नहीं है, क्षेत्रीय नहीं है, इस पर क्या कहेंगे? सर ये बहुत बड़ा मुद्दा है और ये मुद्दा जनता का मुद्दा है। जनता ने ठान लिया है कि हम भारी को स्वीकार नहीं करेंगे, भारी को स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि भारी आदमी हमारा हित नहीं कर सकता, हमारा निभाव नहीं कर सकता, हमारा विकास नहीं कर सकता। और 8 उम्मीदवारों में अतरलाल ही ऐसा उम्मीदवार है जो स्थाई है, अटेली विधानसभा क्षेत्र का स्थाई बासिंदा है, बाकी तो दूसरे हलकों से है। इसलिए जनता ने एक अभियान चलाया हुआ है, बाहरी भगाओ अटेली बचाओ अतरलाल बनाओ। अच्छा जी, एक बात और पूछनी थी आपसे खास तौर पे कि कुछ पार्टी के अन्य पार्टियों के लोग आपको ज्वाइन कर रहे हैं फिलहाल? बहुत अच्छा है, देखो अतरलाल की जीत सुनिश्चित है, इसको देख करके बहुत से हमारे साथी हैं जो हमारे शुभ चिंतक हैं वो दल बल के साथ जो आ रहे हैं। मैं सुभाष चंद्र बोस जन जागृति समिति के अध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र पाल जी का धन्यवाद करता हूँ कि वो 6-7 दिन से लग रहे हैं, हमको पूरा समर्थन दे रहे हैं। और हरियाणा के कद्दावर नेता पूर्व विधायक नरेश यादव जी का स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, वो हमें समर्थन दे रहे हैं। कांग्रेस के असंतुष्ट जो टिकट के लिए उम्मीदवार थे दीपिका यादव जी और श्री भगवान गौतम जी, इन सब का मैं बार बार धन्यवाद करता हूँ। और मैं बताना चाहता हूँ ये एक तरफा लहर चल रही है अटेली में, तो अतरलाल की एक तरफा लहर चल रही है, क्यों पढ़ रहे हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर, कोई नहीं है टक्कर में, काफिला बढ़ता जा रहा है, काफिला बढ़ता जा रहा है जी, काफिला बढ़ता जा रहा है। 2009 के बाद मैं लगभग कुछ दूर से हट गया था राजनीति से, परंतु जब मैंने देखा कि राजघराने के लोग, वो लोग जिन्होंने हरियाणा को लूटा हो कांग्रेस के राज में, अपनी संपत्तियां बढ़ाई, वो फिर से इस इलाके को लूटने के लिए हावी हो रहे थे, तो हमने अपने सब साथियों से सलाह मशवरा करके भाई इलाके को बचाना है और बाबूजी अतरलाल को जिताना है, ये बात सोच करके हम सब साथियों ने फैसला लिया। और पिछले 10 रोज से हम सब साथी एक एक गांव में एक एक घर जा करके आदरणीय अतरलाल जी और अटेली हल्के की जनता का सुरक्षा करने के लिए, ऐसे लोगों से बचाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। और परमपिता परमात्मा से निवेदन भी करते हैं कि हमें इतनी शक्ति दे कि हम इस मिशन में कामयाब हों। सर एक प्रश्न है दोनों से ही है, अभी राव इंद्रजीत हैं केंद्रीय राज्य मंत्री, बिहाड़ी गांव में जो शहीदी दिवस हुआ था तो उसमें उनका जो मंच पर था भाषण था वो अलग तरह का भाषण था, उन्होंने जो वर्तमान जो विधायक हैं सीताराम जी उनको भी हड़काया और उनको भी आधारार्थिक उनकी जो क्या वो डर है क्या है लग रहा है? वो डर है और वो डर से बौखला गए हैं, बहुत ही मतलब कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं। और वो जो है ना बार बार ऐसा अनर्गल वार्तालाप करते हैं तो उससे भी बहुत जो है ना भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो बहुत खिन्न हैं, बहुत असंतुष्ट हैं और हमारी तरफ आ रहे हैं, उनके जो उनके कार्यप्रणाली से असंतुष्ट हैं जी। आप क्या कहेंगे साहब? मैं ये कहूँगा कि ठाकुर अतरलाल जी के मुकाबले में आज कोई नहीं है, बाहर के जो नेता आए हुए हैं, मैंने कई जगह गांवों में पूछा है कि भाई मैं अगर तुम्हारे गांव में सरपंच का फार्म भर दूंगा तो क्या मुझे बना दोगे? तो लोग मना करते हैं कि नहीं बनाएंगे, पंच भी नहीं बनाएंगे जी। तो इसलिए सब बाहर के हैं, इसलिए वो बाहर के आदमी को इग्नोर कर रहे हैं। और ठाकुर अतरलाल जी ही एक ऐसे
कैंडिडेट हैं जो इस हल्के के हैं, तो इस बार पूरी जनता का जो प्यार है वो इनको पूरा भरपूर मिल रहा है। और ये आज के दिन ये समझ लो कि इनके मुकाबले में कोई नहीं है, सब बौखला गए हैं, बस अपना टाइम पूरा करें, 5 तारीख पिज्जा छूट जाए हमारा बस। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो आज अभी हाँ जी इधर आ जाओ, आप मंच पर आ जाओ। तो यहाँ पर और भी साथी यहाँ पर है, आप इधर आइए जी। क्या कहेंगे बताएं? मेरा नाम है शेलंग जी, शेलंग गाँव पंच हूँ जी। पौधा मैंने बैठा रहा है। अच्छा, बागौर तो शेलंग का बीच है। ये अतरलाल उन्होंने बैठाया था, इंद्रजीत ने। अच्छा, ये झूठा सी एमटी का बैठा उठगा और मामले कटपट से उठा दिया, झूठा सुभाष चंद्र से। मैं बीजेपी को तो सरकार छोड़ दी, मैं मर जाऊंगा, साइकिल भी नहीं चलेगी। अच्छा, कटपट साइकिल नहीं चलेगी। अच्छा, देख ठीक है। तो यहाँ अभी ये चुनावी जनसभा जो है वो ख़त्म हो चुकी है और हमने आपके अतरलाल जी और साथ में उनके समर्थकों की बातचीत करवाई और कुछ अन्य दलों से आए हुए साथियों से बातचीत कराई। आपको कैसी लगी कवरेज, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। बाकी ये बताएं, अटेली विधानसभा क्षेत्र के अंदर कौन रहेगा अग्रणी, कौन रहेगा विजेता, कौन मारेगा बाजी? बाकी आप क्या सोचते हैं कि हरियाणा में किसकी बनेगी सरकार? अभी हमने जो चुनावी जनसभा आपको दिखाई वो BSP इनेलो संयुक्त जो प्रत्याशी हैं अटेली विधानसभा के अंदर, अतरलाल जी उनकी दिखाई। इसके अलावा हम आपको लगातार चुनावी जो खबरें वो दिखाई रहे हैं। आपको कैसी लग रही हमारी खबरें, कमेंट बॉक्स में राय देकर अवश्य बताएं। बाकी इंडियन न्यूज़ फ्रेंड को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सीधो एक ही निशान से आती